एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 1, 0, 3 है। इस त्रिभुज के दो शीर्ष के निर्देशांक 2, 4, 3 तथा 3, 1, 2 है। तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको यह समझना होगा कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के दो शीर्ष के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तीसरे शीर्ष का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि वह जो बिंदु है ये एक्स वाई जेड है और इसके केंद्रक का निर्देशांक हमें दिया गया है। तो इसे हम लिखेंगे कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ए एक्स वन वाई वन जेड वन, बी एक्स टू वाई टू जेड टू तथा सी एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री हो, तो केंद्रक जो है इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री और जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अपॉन थ्री होता है। तो माना कि त्रिभुज का जो शीर्ष है प्रश्नानुसार ये ए जो है ये है 2, 4, 3, बी जो है ये है 3, 1, 2 तथा सी ये एक्स वाई जेड है। तो प्रश्न के अनुसार इसका जो केंद्रक दिया गया है, केंद्रक है 1, 0, 3। तो हम यहां पर लिखेंगे केंद्रक की परिभाषा से, अर्थात ये जो सूत्र आया है उससे, कि एक्स वन टू वाई वन दैट इज थ्री, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू वन। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5 + x = 3। आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा 3 - 5 दैट इज -2। तो ये एक बिंदु का निर्देशांक, तो बिंदु का एक कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है। अब इसी तरीके से दूसरा कोऑर्डिनेट, तो ये y1, ये y2 और ये y3 अपॉन 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर मिलेगा -5 + y = 0। तिरक गुणा करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा y = 5। ये दूसरा कोऑर्डिनेट। अब इसका जो तीसरा कोऑर्डिनेट है z, तो z1 - 2 और z3 - z / 3 = 3। तो 3 - 2 = 1 + z और इसको जब तिरक गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 9। तो इस तरीके से z इक्वल टू आपको मिल रहा है 8। तो ये तीनों बिंदु का निर्देशांक, तो बिंदु को हमें तीनों कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो इसे हम लिखेंगे कि अभीष्ट बिंदु जो हमें ज्ञात करना था ये है -2, 5, 8 है। अब इसी प्रश्न को हल कर सकते हैं हम किसी दूसरे विधि का उपयोग करके। यह हम जानते हैं कि त्रिभुज की जो मध्यिकाएं हैं वह एक दूसरे को 1:2 में विभक्त करती है। तो इस कंसेप्ट का उपयोग करके इस प्रश्न को सरल करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु A है और इसका निर्देशांक है एक्स वाई जेड। ये बिंदु B है, इसका निर्देशांक है 2, 4, 3 और ये बिंदु है C, 3, 1 और 2। अब इन दोनों का B और C का जो मध्य बिंदु है, मान लेते हैं कि ये D है, तो इस मध्य बिंदु से, तो त्रिभुज के इस शीर्ष से इसके मध्य बिंदु को हमने मिला दिया। इसी प्रकार बिंदु C है, इससे A और B का जो मध्य बिंदु है इसको हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात, मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है ये G है,
तो ए अनुपात ए जी अपॉन जी डी, ये 2:1 आपको मिलेगा। तो इस तरीके से डी का निर्देशांक हम निकाल सकते हैं, दोनों बिंदु का मध्य बिंदु है। और इसी तरीके से ये बिंदु हम मान के चलते हैं कि ये एफ है, तो इसे हम लिखेंगे कि माना शीर्ष ए एक्स वाई जेड है, शीर्ष बी 2:3 तथा सी 3:1, 2 है तथा केंद्रक 1:3 है, यह प्रश्न में दिया गया है। तो केंद्रक जी शीर्ष ए तथा उसकी जो सम्मुख भुजा है बी सी के मध्य बिंदु डी को मिलाने वाली रेखा, अब जो रेखा बन रही है ये है ए डी, को 2:1 में विभक्त करता है। तो बी सी का मध्य बिंदु हम निकाल सकते हैं, ये डी है, 2 और 3 को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, 4 और 1 को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, और 3 2 करिए और 2 से भाग दीजिए, अर्थात जो डी मिल रहा है ये है 5/2, 5/2 और 1/2। अब यहाँ पर हम आंतरिक विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे, आपको मिल जाएगा 2×5/2 + 1×x / 2+1, ये इक्वल टू 1 है। ये केंद्रक का जो निर्देशांक है इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहाँ पर आंतरिक विभाजन सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। इसको जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा 5+x और ये अपॉन 3 है, त्रिक गुणा करेंगे तो ये इक्वल टू 3 में आ जाएगा, और फिर x इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2। इसी तरीके से इसका जो y कोऑर्डिनेट है इसे हम निकाल सकते हैं 2×-5/2 + 1×y, तो ये y, और ये 2+1 ये इक्वल टू है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -5+y और ये इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 5, ये x, ये y, और इसी तरीके से आप z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, 2×1/2 ये पॉइंट, फिर +1×z / m1+m2, ये इक्वल टू है 3 के, सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1+z = 3×3, 9, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा z = 8। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अभीष्ट बिंदु 2, 5, 8 है। तो किसी भी विधि का उपयोग करिए, आपको जो हल मिलेगा वो सेम मिलेगा। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए वे अनुपात जिनमें गोला x²+y²+z² = 504 बिंदुओं 12-4, 8 तथा 27-9, 18 को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। उसका जो अनुपात है 2:3 तथा 2:3 है, यह हमें सिद्ध करना है। तो पहली बात यह कि गोले का हमें समीकरण दिया गया है और 2 बिंदु दिए गए हैं, तो एक को हम ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे, और हम इसमें एक अनुपात ले लेंगे कि लैम्डा अनुपात 1 में कोई बिंदु है पी जो कि इस तरीके से विभक्त करता है, और वो जो कोऑर्डिनेट मिलेगा उसको हम गोले के समीकरण में रख देंगे, और सरल करने पर हमको जो हल मिलेगा वह लैम्डा का मान होगा, और फिर पुनः
एक्स वाई और जेड का जो मान हमें लैम्डा के रूप में प्राप्त हुआ था उसमें वह मान को रख देंगे तो हमें उसका हल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे सरल करते हैं। दिया है गोले का समीकरण, यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 504। माना कि यह समीकरण एक है और दूसरा कि दिए हुए बिंदुओं ए यह है 12 ऋण 4 8 तथा बी दूसरा बिंदु का निर्देशांक है 27 ऋण 9 18 को मिलाने वाली रेखा को लैम्डा अनुपात एक में विभाजित करता है। विभाजक बिंदु के निर्देशांक तो यह मान के चलते हैं कि माना ये बिंदु ए है 12 ऋण 4 8 और बी एक दूसरा बिंदु है 27 ऋण 9 और 18। इसके बीच में कहीं पर एक बिंदु है पी एक्स वाई जेड जो कि इसको ए बी को लैम्डा अनुपात एक के अनुपात में विभक्त करती है। तो विभाजक बिंदु का निर्देशांक आंतरिक विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आगे इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 27 लैम्डा प्लस 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इसी तरीके से y इंटू लैम्डा ये -9 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इसी तरीके से z इक्वल टू लैम्डा इंटू 18 प्लस 1 इंटू 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 18 लैम्डा प्लस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो जो बिंदु P है, P का जो निर्देशांक हमें मिला है 27 लैम्डा प्लस 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 9 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और 18 लैम्डा प्लस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1, यह बिंदु हमें मिला है। अब चूंकि विभाजक बिंदु जो है P गोले पर स्थित है, अतः P के निर्देशांक गोले के समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलिए अब मान रख देते हैं x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27 लैम्डा प्लस 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये माइनस 9 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा 18 लैम्डा प्लस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 504। होल स्क्वायर आएगा और इसको हम राइट साइड पर पक्षांतर कर देंगे और अंश में जितने भी पद दिख रहे हैं उसका वर्ग अर्थात इसका विस्तार करके सरल करेंगे। तो इसको जब आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 729 लैम्डा स्क्वायर प्लस 468 लैम्डा प्लस 144 प्लस 81 लैम्डा स्क्वायर प्लस 72 लैम्डा प्लस 16 प्लस 324 लैम्डा स्क्वायर प्लस 288 लैम्डा प्लस 64 इक्वल टू 504,
इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा प्लस वन। आगे जब आप इसे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 630 लैम्डा स्क्वायर प्लस जीरो इंटू लैम्डा इक्वल टू 280, या फिर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 280 अपॉन 630। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 28 अपॉन 63, और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको 4/9। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 2/3 या लैम्डा रेशियो 1, और लैम्डा रेशियो 1 इक्वल टू माइनस 2/3। और यही हमें सिद्ध करना था कि वह जो अनुपात है यह 2:3 और -2:3 है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक -2, -3, -5, -4, -1, -7 और -6, -5, -3 हो तो शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें त्रिभुज के शीर्ष के जो निर्देशांक है उसे मानना पड़ेगा कि माना x1, y1, z1, x2, y2, z2 और x3, y3, z3 है, और फिर इन भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें दे दिए गए हैं। तो मध्य बिंदु के सूत्र का उपयोग करके x1, x2, x3 इसमें जो समीकरण है उसे ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार y1, y2, y3 और z1, z2, z3 में समीकरण को ज्ञात करके सरल करेंगे, और फिर वहाँ से हमें जो x1, y1, z1, x2, y2, x3, z1, z2, z3 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं कि माना त्रिभुज ABC के शीर्ष A को मान लेते हैं कि ये x1, y1, z1, B जो है ये x2, y2, z2 तथा जो C है ये है x3, y3, z3 है। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो मान लेते हैं कि A और B का जो मध्य बिंदु है ये P है। तो जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि A और B का मध्य बिंदु है P, -2, -3, -5, और B और C का मध्य बिंदु है Q, 4, -1, 7, और A और C का मध्य बिंदु है R, 6, 5, 3। तो मध्य बिंदु के सूत्र का उपयोग करते हैं, X कोऑर्डिनेट B, A और B का जो X कोऑर्डिनेट है ये है x1 और x2। इसका जो मध्य बिंदु है ये -2 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 + x2 = -4। मान लेते हैं कि समीकरण एक है। इसी तरीके से B और C का जो x कोऑर्डिनेट का मध्य बिंदु है ये x2 + x3 अपॉन 2 = 4। यहाँ से आपको मिल जाएगा x2 + x3 = 8। मान लेते हैं कि समीकरण दो है। और इसी प्रकार x1 + x3 अपॉन 2 ये दिया गया 6। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 + x3 = 12। माना कि ये समीकरण तीन है। अब समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ देते हैं। तो x1 ये आपको मिल जाएगा 2 × x1, इसी तरीके से 2 × x2 और 2 × x3 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16। आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x1 + x2 + x3 = 8। मान लेते हैं कि समीकरण 4 है। अब समीकरण 4 में एक एक करके 1, 2 और 3 को घटाते हैं तो समीकरण 4 − 1। तो इसमें x1 + x2 + x3 में x1 + x2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x3 का मान, और 8 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 8 और 4 को जोड़ेंगे मिल जाएगा 12। तो ये x3 का मान आपको मिल गया 12। इसी तरीके से समीकरण 4 में समीकरण 2 को घटा देते हैं तो यहाँ पर x1 नहीं है। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x1 = 8 - 8, तो आपको मिल जाएगा 0। और इसी तरीके से समीकरण 4 में समीकरण 3 को जब घटाएंगे
तो इसके पास x2 नहीं है, आपको मिल जाएगा x2 इक्वल टू 8 माइनस 12, आपको मिल जाएगा माइनस 4। तो ये x1 का मान, ये x2 का मान और ये x3 का मान, ये तीनों आपको मिल चुका है। इसी तरीके से हम y1, y2, y3, z1, z2, z3 के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू 6। मान लेते हैं कि समीकरण 5 है। इसी तरीके से y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू है -1। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा y2 प्लस y3 इक्वल टू -2। माना यह समीकरण 6 है। और अंत में y3 प्लस y1 अपॉन 2 ये है 5। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा y1 प्लस y3 इक्वल टू 10। माना यह समीकरण 7 है। अब समीकरण 5, 6 और 7 को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3। 10 और 6 को जोड़ेंगे 16, 16 में 2 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 14। तो यहाँ से आपको मिल रहा है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 इसका मान मिल रहा है 7। और मान लेते हैं कि समीकरण 8 है। अब क्रमशः समीकरण 8 में समीकरण 5 को घटाइए तो यहाँ पर y3 नहीं है, आपको मिल जाएगा y3 इक्वल टू 7 माइनस 6, आपको मिल जाएगा 1। इसी तरीके से समीकरण 8 माइनस समीकरण 6, इसके पास है y1 नहीं है तो आपको मिल जाएगा y1 इक्वल टू 7 माइनस और माइनस प्लस 7 और 2 9। और इसी तरीके से आपको मिल जाएगा समीकरण 8 में समीकरण 7 को घटाएंगे, इसके पास y2 नहीं है तो y2 इक्वल टू 7 माइनस 10, आपको मिल जाएगा -3। तो आपको मिल गया y1 9, y2 -3 और y3 मिल गया 1। अब आगे हम इसी तरीके से z का जो कोऑर्डिनेट है z1 z2 z3 यह निकालेंगे। अब z1 प्लस z2 अपॉन 2 इक्वल टू 5 है। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा z1 प्लस z2 इक्वल टू 10। माना कि यह समीकरण 9 है। इसी तरीके से z2 प्लस z3 अपॉन 2, ये z2 और ये z3, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये 7 है। तो इस तरीके से मिल जाएगा z2 प्लस z3 इक्वल टू 14। माना कि ये समीकरण 10 है। और अंत में z1 प्लस z3 अपॉन 2 ये आपको मिल रहा है 3। तो यहाँ से मिल जाएगा z1 प्लस z3 इक्वल टू 6। माना ये समीकरण 11 है। अब समीकरण 9, 10 और 11 को जोड़ने पर तो मिल जाएगा 2 टाइम्स z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 14 और 6 जोड़ेंगे मिल जाएगा 20 और 20 और 10 30। तो यहाँ से आपको मिल गया z1 प्लस z2 प्लस z3 ये इक्वल टू है 15। मान लेते हैं कि समीकरण 12 है। तो समीकरण 12 में समीकरण 9 को घटा देते हैं, यहाँ पर z3 नहीं है तो मिल जाएगा z3 इक्वल टू 15 माइनस 10, आपको मिल जाएगा 5। इसी प्रकार समीकरण 12 में समीकरण 10 को घटा देते हैं तो यहाँ पर ये z1 नहीं है तो z1 इक्वल टू 15 माइनस 14, आपको मिल जाएगा 1। और समीकरण 12 में समीकरण 11 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा z2 इक्वल टू 15 माइनस 6 9। तो ये आपको मिल गया z1, ये मिल गया z2 और ये z3। तो अभीष्ट बिंदु का जो निर्देशांक है ए x1 y1 z1, x1 y1 z1, बिंदु बी x2 y2 z2, ये z2, तथा बिंदु सी x3 y3 और z3 है, और यही हमें ज्ञात करना था। अब चलिए आगे देखते हैं बिंदु पथ से संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है कि दो अचर बिंदु ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 1, 2, 3 तथा 4, 5, 6 है। बिंदु पी का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए यदि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 20।
तो यहाँ पर जो बिंदु P है उसका बिंदु पथ ज्ञात करने कहा गया है, तो हम पहले यह मान करके चलेंगे कि माना बिंदु P एक्स वाई जेड है और प्रश्न में दिया गया कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 20। इसका मतलब यह कि P से A के बीच की दूरी पी ए और फिर उसका वर्ग, और P से B के बीच की दूरी पी बी और उसका वर्ग, इन दोनों का जब जोड़ देंगे तो आपको मिल रहा है 20। इस प्रकार प्रश्न को आगे सरल करेंगे तो हमें उस बिंदु का बिंदु पथ मिल जाएगा। चलिए तो हम लिखेंगे कि माना बिंदु P ये x y z है और हमें दिया है A जो है ये 1 2 3 तथा बिंदु जो B है ये दिया है 4 5 6। और प्रश्न में यह दिया गया है कि पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इक्वल टू 20। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र हमें पता है कि यदि बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हो तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी होता है स्क्वायर रूट ओवर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, और उसमें स्क्वायर रूट लग जाता है। अब चूंकि वर्ग है तो वर्गमूल जो है वो हट जाएगा, तो हम लिखेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस pb का स्क्वायर मतलब x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस z माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 20। तो आगे जब इसे आप सरल करेंगे तो जहाँ पर हर एक पद में वर्ग करना है, चलिए सरल करते हैं। पहले पद को जब आप वर्ग कर तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर, इस पद का जब आप वर्ग करेंगे तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। पहले तीन पद को लेकर के सरल कर रहे हैं, फिर बाद में तीन पदों को लेंगे। फिर यहाँ से 2ab से 2x माइनस 4y प्लस 6z प्लस यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y और माइनस 12z प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, ये इक्वल टू है 20। जब इसे आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 10x माइनस 14y माइनस 6z प्लस 71 इक्वल टू 0, और यही वह बिंदु का बिंदु पथ है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः 3 4 5 -1 3 -7 है और पी एक चर बिंदु है जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, तब एक्स वाई जेड के द्वारा संतुष्ट होने वाले समीकरण ज्ञात कीजिए यदि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो यहाँ पर भी प्रश्न को लगभग पूर्व प्रश्न की भांति हल करना है। दिया गया है बिंदु P का जो निर्देशांक है ये एक्स वाई जेड आपको दे दिया गया है, बिंदु A का जो निर्देशांक है ये है 3 4 5 और बिंदु B का जो निर्देशांक है ये है -1 3 -7। और प्रश्न में यह भी दिया गया है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, तो मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है। पी ए का स्क्वायर मतलब P से A के बीच की दूरी का वर्ग, तो वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर का मतलब है P से B की बीच की दूरी का वर्ग, तो ये आपको मिल जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर 6x माइनस 8y माइनस 10z
प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 25। इसी तरीके से आगे के तीनों पदों को आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z प्लस 1 प्लस 9 प्लस 49 इक्वल टू 2k का स्क्वायर। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z प्लस 109 इक्वल टू 2k स्क्वायर। या फिर आप प्रथम तीन पदों से 2 को कॉमन ले सकते हैं तो मिल जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर फिर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z प्लस 109 इक्वल टू 2k स्क्वायर। और यही अभीष्ट बिंदु का बिंदु पथ है जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।